कि जब एक भगवाधारी सीएम आके बैठा, तारीख बताई, श्री रामलला भव्य मंदिर। अब जैसा कि प्रतिष्ठा चौराहे तक आपने सारी सजावट देख ली, आज है जो आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है काकादेव में, तो अभी चलेंगे काकादेव की तरफ। ये जो भव्य नजारा आप देख रहे हैं श्री रामलला मंदिर के गेट के पास का है, जो यहाँ की सजावट है वो आपको मैं भी इस पूरे वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और काफी भव्य नजारा यहाँ श्री रामलला मंदिर के द्वार पे। तो अभी आपको सारी सजावट यहाँ की दिखाता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से श्री रामलला मंदिर, यही होगा श्री राम जन्मोत्सव। और जैसा कि देख रहे हैं भव्य नजारा, ये छपेड़ा पुलिया काकादेव का है। तो आज संदीप आचार आ रहे हैं, तो काफी सजावट और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं छपेड़ा पुलिया में है, छपेड़ा पुलिया का भव्य मंदिर है जो हनुमान जी का। तो सभी को जय जय श्री राम और भव्य मंदिर। और यहाँ की जानकारी देंगे, आज आ रहे हैं यहाँ पर संदीप आचार, हिंदूवादी गीत गायक। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज पे हैं कानपुर के पुर में स्थित है मसवानपुर में शिव जी का मंदिर। तो आज की जानकारी है कहां कहां रामनवमी का मार्ग है और कहां कहां सजावट हो रखी है कानपुर के रास्ते जो हैं रामनवमी के मार्ग रूट, वो सब आपको इसी वीडियो में जानकारी मिलेगी। और जैसा कि शुरुआत करते हैं कानपुर के मसवानपुर से, पुराना मंदिर जो काफ़ी वर्षों पुराना है। तो आज के हैं मसवानपुर मंदिर और यहाँ की सजावट और भव्य मंदिर के करेंगे दर्शन, और उसके बाद आपको आगे की सजावट और सारी जानकारी देंगे। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि देख रहे हैं भव्य मंदिर मसवानपुर का, जैसा कि ये मार्ग देख रहे हैं मसवानपुर, लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो वो अरमापुर का रास्ता है, और ये सराय का है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये सराय की रामनवमी मार्ग की सजावट है। तो अभी आपको यहाँ की सजावट दिखाते हैं। ये मसवानपुर सराय की सजावट, अभी चलेंगे आगे और आपको आगे की सजावट का पूरा दृश्य दिखाएंगे। सराय से चलेंगे मसवानपुर रावतपुर की तरफ, और वहाँ का सारी दृश्य रामनवमी का भव्य नज़ारा सजावट आपको दिखाते हैं। चलिए ये है मसवानपुर का एरिया, सब्जी मंडी के पास का। हर तरफ भगवानमय माहौल है। ये मसवानपुर का माहौल है। अब मसवानपुर सैयद नगर का ये मार्ग है, और यहाँ की सजावट आपको देखने को मिल रही है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं शिव कुमारी स्कूल के पास का है। ये है मसवानपुर का दृश्य, मसवानपुर मंडी का, यहाँ पे भगवानमय माहौल जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। आ चुके हैं सैयद नगर में, प्रवेश कर चुके। अब यहाँ का माहौल देखते हैं, और इसके बाद रावतपुर का दृश्य आपको देखने मिलेगा। तो अभी सिर्फ सजावट का है, बाकी एक वीडियो जो साउंड का आएगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। ये है मसवानपुर सराय तरफ से आकर अब रावतपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। Thank you.
रावतपुर मथुरा नगर का दृश्य रावतपुर रावतपुर वृंदावन चौराहा और देखेंगे पाथा माई मंदिर का दृश्य। ये है भव्य प्राचीन श्री पाथा माई मंदिर जैसा कि आपको अभी वीडियो में देखने मिलेगा। ये है भाई रावतपुर गांव का नज़ारा जैसा कि आपको भी वीडियो में देखने को मिल रहा है। गणेश मंदिर जो यहाँ पर फेमस जगह है, संतोषी माता मंदिर और गणेश मंदिर। आज के हैं रावतपुर गणेश मंदिर ये है और अभी चल रहा है रामलला मंदिर की ओर जहाँ सारी भव्य यात्राएं और झांकियाँ सब एकत्रित होती हैं श्री रामलला मंदिर के पास। और जैसा कि आज के मखानेश्वर मंदिर, मखानेश्वर मंदिर के सामने का ध्वज और ये है मंदिर मखानेश्वर और सामने है बर्तन वाली गली। अभी चलेंगे रामलला मंदिर की तरफ। चलो ले लिया। अब चल रहा है रामलला मंदिर की तरफ और वहाँ का दृश्य आपको भी दिखाते हैं वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं रामलला मंदिर के सामने आ चुके हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा और सुंदर हो श्री रामलला मंदिर यही होगा श्री राम जन्मोत्सव और शोभा यात्रा का आयोजन। सभी यहीं पर राम भक्त एकत्रित होंगे और यहीं से शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। चलिए चलते हैं और आगे का मार्ग और रास्ता और सजावट आपको वीडियो में दिखाते हैं। जो भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं श्री रामलला मंदिर के गेट के पास का है। जो यहाँ की सजावट है वो आपको मैं भी इस पूरे वीडियो में दिखाऊंगा आपको और काफी भव्य नज़ारा यहाँ श्री रामलला मंदिर के द्वार पे। तो अभी से आपको सारी सजावट यहाँ की दिखाता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से सजावट है और अभी आप पूरा देखेंगे आप इस वीडियो में श्री रामलला मंदिर गेट तक ये पूरा सजा हुआ है। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। भव्य श्री रामलला मंदिर के पास का निकट ये दृश्य है आपको देखने को मिले श्री रामलला भव्य मंदिर। चलो आग बना लेंगे। श्री रामलला मंदिर रावतपुर गांव से चल रहे नमक फैक्ट्री की ओर और बाकी सजावट आपको वीडियो में देखने को मिल रही है। कुशवाहा टेंट हाउस के पास की सजावट। तपेश्वरी स्कूल के पास का साउंड। पचरत्ना के पास की सजावट। मानस धाम बकर मंडी तिराहे की सजावट। आ चुके हैं निकट सब्जी मंडी नमक फैक्ट्री चौराहे पे। यहाँ पे जो सजावट आपको देखने मिलेगी वो है ब्रह्मनाथ सेवा समिति। भव्य नजारा और सुंदर सजावट के साथ नमक फैक्ट्री सजावट और दृश्य अभी आपको प्रतिष्ठा चौराहे के पास आपको देखने को मिलेगा। एक भव्य नजारा है ये जो आपको देखने को मिल रहा है। प्रतिष्ठा चौराहे पे ब्रह्मनाथ सेवा समिति द्वारा ये सजावट की गई है।
बहुत ही भव्य नज़ारा, बहुत ही भव्य सजावट प्रतिष्ठा चौराहे। अब जैसा कि प्रतिष्ठा चौराहे तक आपने सारी सजावट देख ली, आज है जो आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है काकादेव में, तो अभी चलेंगे काकादेव की तरफ। वहाँ पे अतिथि गढ़ में बुलाए गए हैं संदीप आचार्य, तो वहाँ का जो सजावट और भव्य माहौल है वो आप बहुत देखने लायक होगा। तो चलते हैं अभी वहाँ पे और भव्य माहौल और सजावट और जो जो जानकारी वो इस वीडियो में आपको देखने मिले। चलिए चलते हैं काकादेव की तरफ, चल रहे हैं काकादेव की तरफ। गोपाला टावर के पास की सजावट भव्य दृश्य रामनवमी मार्ग शोभा यात्रा के लिए, जैसा कि देख रहे हैं भव्य सजावट है यहाँ पे। जैसा कि देख रहे भव्य नजारा। काकादेव में जो बहुत ही प्रसिद्ध है कोचिंग मंडी के नाम से, और जैसा कि देख रहे छपेड़ा पुलिया में है, छपेड़ा पुलिया का भव्य मंदिर है ये जो हनुमान जी का। तो सभी को जय जय श्री राम और भव्य मंदिर। और यहाँ की जानकारी देंगे, आज आ रहे हैं यहाँ पर संदीप आचार्य हिंदूवादी गीत गायक, तो अभी चलेंगे आपको आज यहाँ का भव्य नजारा और सारी जानकारी देंगे आपको, तो अभी चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं भव्य नजारा, ये छपेड़ा पुलिया काकादेव का है, तो आज संदीप आचार्य आ रहे हैं, तो काफी सजावट और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है क्योंकि आज यहाँ पर आ रहे संदीप आचार्य, तो सारी जानकारी देंगे। अभी चलते हैं अंदर और भव्य नजारा देखते हैं कैसी सजावट है और क्या दृश्य है, क्या माहौल है, आपको सारी वीडियो में जानकारी मिलेगी। चलते हैं अंदर। जैसा कि देख रहे हैं ये छपेड़ा चौराहा और यहाँ पे सजावट, जो यहीं पे आ रहे हैं आज संदीप आचार्य, अभी चल रहे हैं अंदर। अब अभी जश्न खत्म हो गया, सभी नवयुवकों संदीप आचार्य को देखने के लिए देख सकते हैं, भक्तों में जितना उत्साह है, साइकिल में बच्चा चल रहा है, देखने के लिए उत्सुक है। हेलो, जो भी हमारे भाई ये लोग हैं, छपेड़ा युवा मित्र मंडल के लोग हैं, मैं आप सब से निवेदन करता समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का फैसला आया होता तो उनकी भी तारीफ होती, कांग्रेस के राज में आया होता तो कांग्रेस की तारीफ होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में आया है तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ होती। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान सर भगवान रंग चढ़ने लगा है, देश हमारा देश हमारा। हेलो, क्योंकि कश्मीर को मुक्त कर देते हर देश में तिरंगा लहरा देते, हम हिंदुओं में एकता नहीं, हम नए भाग्य पाकिस्तान में भूत का मंदिर बना देते। भाई मैं के सभी लोग आनंद लीजिएगा, मीठी मीठी तालियों के साथ, मन जो कट रहा है बीच में बैठे बाहर में चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान सर चढ़ने लगा है, अब बनने लगा है, भगवान सर चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा शेष नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा, सोच के देखो देश हमारा उससे प्यारा क्या होगा, सोच के देखो देश हमारा उससे प्यारा क्या होगा, सोच के देखो देश हमारा उससे प्यारा क्या होगा।
लोग चिढ़ाते थे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। फिर जब एक भगवाधारी सीएम आके बैठा तारीख बताई मेरी मर्जी का हूँ मैं।